नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक अहम दिन है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके गोरखपुर सदर सीट से उन्होंने आज नामांकन किया और इस नामांकन के लिए भव्यता से पूरी तैयारी की गई थी बीजेपी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानी कि आज गोरखपुर सदर से अपना नामांकन चुनावी नामांकन भरा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खास तौर पर मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी की। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही 5 बार सांसद रह चुके हैं। गोरखपुर को उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ की कई विधानसभाओं में उनका अच्छा प्रभाव भी बताया जाता है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आज उन्होंने अपना चुनावी नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी द्वारा काफी तैयारियां की गई थी और जश्न का माहौल भी है, क्योंकि लोगों में एक खुशी की लहर है कि चुनाव लड़ रहे हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और बड़ी चर्चा भी रहती है, चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्योंकि जनता का इनको स्नेह प्रेम मिलता आया है। गोरखपुर से खास तौर से बात करें तो गोरखपुर में काफी पकड़ भी रही है बीजेपी की, विधानसभाओं पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है और कई बार सांसद रहे हैं तो अच्छा खासा प्रभाव है बीजेपी का। और बात करें सीएम योगी की, तो सीएम योगी का जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो स्नेह प्रेम देखने को मिलता है गोरखपुर की जनता के बीच, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अच्छी खासी जो संख्या है, अच्छी खासी गिनती में उन्हें वोट मिलेगा और काफी बहुमत के साथ वो यहाँ से विजयी होंगे। और इसी को देखते हुए ये आज का दिन भी काफी खास माना जा रहा है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और उनके गोरखपुर सदर सीट से नामांकन को भव्यता देने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर से अपना चुनावी नामांकन भरा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और बिना किसी भीड़भाड़ के सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में सीएम ने अपना नामांकन भरा, औपचारिकताएं पूरी करी और अब चुनावी बिगुल बज चुका है और तैयारियां तेज है। चुनाव प्रचार भी चरम पर है और जब अमित शाह पहुंचे हैं तो ऐसे में चुनाव प्रचार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सभी बड़े दिग्गज नेता स्टार प्रचारक जमीनी तौर पर उतरे हुए। बात करें जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी सभी जनता के बीच जा रहे हैं और अपने मुद्दे बता रहे हैं। चुनाव की जो भी तैयारियां हैं उसका जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है तो तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। अब ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन प्रचार भी देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन माध्यमों से भी जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि आज पीएम मोदी और सीएम योगी जनता चौपाल करते हुए नजर आए, जनता को अपनी नीतियां बताई और साथ ही आगामी चुनाव के मुद्दे भी बताए। किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरी है बीजेपी, आने वाले चुनाव जो 2022 के जो अहम चुनाव हैं, अगर उसमें विजयी होती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, तमाम चीजों का ब्यौरा देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में से जुड़ रहे वर्चुअल माध्यम से और वर्चुअल जनसभा, वर्चुअल रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से सभी विधानसभाओं के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कमल खिलाने की बात भी कर रहे हैं। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी की सीएम योगी ने और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ये नामांकन संपन्न हुआ। काफी दिनों से इसका इंतजार था जनता को और आज आखिरकार ये पूरा हो ही गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी इस बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो आगरा या वो मथुरा या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब गोरखपुर से उनका नाम सामने आया, प्रत्याशी के तौर पे वो सामने आए, जब बीजेपी की तरफ से उनका नाम जब सामने आया तो गोरखपुर की जनता में भी खुशी की लहर देखने को मिली। और इस खबर में मैं ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज सीएम योगी ने जब नामांकन किया तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच कैसा माहौल देखने को मिला? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज जब जश्न का माहौल देखने को मिला और कोई भी प्रत्याशी होता है जब उसको टिकट मिलता है तो कार्यकर्ताओं में जश्न
जश्न का माहौल देखने को मिलता है। और जब बात सूबे के मुखिया की, सूबे के मुखिया को जब उतारा गया हो चुनावी रण में, तो ये काफी अहम भी हो जाता है। सीएम योगी एक बड़ा चेहरा है और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर जो इस तरह का माहौल देखने को मिला वो काफी अहम था। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी करी और हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए। हिमांशु, आज कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल देखने को मिला गोरखपुर में जब नामांकन दाखिल किया सीएम योगी ने? गोरखपुर में जैसे ही योगी ने नामांकन दाखिल किया और यहाँ पे जोश के साथ ताशे बजा करके जितने भी कार्यकर्ता थे वो उत्साह के साथ यहाँ पे आए थे। हालांकि उनको गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया थ्रेटेड पर्सन ने, लेकिन बाहर ही वो जते रहे जी। और जिस तरह से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज नामांकन के लिए आए, तो क्या वो डोर टू डोर प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे? देखिए, अमित शाह का खुद योगी के नामांकन में आ जाने से इस बात तो साफ है कि सीएम योगी को ही इस बार चुनाव में पूरी तरह से उनके फेस पे ही लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा पूरा चुनाव। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़े थे गोरखपुर से। तो गोरखपुर के जनता के लिए काफी अहम दिन है और खुशियां भी मनाते हुए नजर आए हैं गोरखपुर के निवासी। वही बात करें विधानसभाओं की तो काफी अहम असर देखने को मिलता है क्योंकि कई बार सांसद भी रह चुके हैं सीएम योगी और जब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी सदर सीट से, तो काफी अहम रहेगा इस बार का चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा आने से बचते रहे हैं। 2012 से लेकर अभी तक एक भी बार नोएडा का दौरा नहीं किया उन्होंने, जबकि इस बार इस बीच तीन चुनाव बीत गए, ना तो 2017 में सरकार बची और ना ही 2019 में बड़ा करिश्मा दिखा पाए। वहीं अब 2022 के चुनावी तपिश के बीच 11 साल के बाद अखिलेश यादव सियासी गुडलक पाने के लिए गुरुवार देर शाम नोएडा का दौरा करने पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश के किस्मत का सितारा सियासी तौर पर बुलंद हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 11 साल उन्होंने दूरी बनाए रखी नोएडा से। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस बार वो नोएडा भी पहुंच गए हैं। पश्चिम में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ गुरुवार शाम गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया और वहां से जुड़े मिथक को तोड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो वहां जाता है उसकी सत्ता चली जाती है और इसी मिथक को तोड़ते हुए पार्टी की जीत का दावा किया। 11 साल बाद नोएडा आने की वजह अखिलेश यादव ने बताया कि सपा प्रमुख ने कहा कि नोएडा से संबंधित एक और कहावत है कि अगर कोई पार्टी नोएडा में प्रचार के लिए जाती है तो वह उत्तर प्रदेश चुनाव जीतती है। तो ये नई बात कही अखिलेश ने। और हालांकि पहले ऐसे मिथक थे, ऐसे बोला जाता था कि जो भी पार्टी नोएडा जाती है प्रचार के लिए वो सत्ता से चली जाती है, उसकी पार्टी चली जाती है। और यही वजह भी देखने को मिली कि इतने सालों से, 11 सालों से अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए थे प्रचार के लिए। और इससे पहले जब 2012 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, कई चुनाव आए और चले गए, सत्ता में रहते हुए भी अखिलेश ने नोएडा से दूरी बनाई हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इसी डर की वजह से, मिथक की वजह से वो नोएडा से दूरी बना के रखते। लेकिन जब वो 11 साल बाद कल बुलंदशहर के बाद जब वो नोएडा पहुंचे हैं तो ये जो मिथक था वो दूर हो गया और चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार करने वो नोएडा पहुंचे और उत्तर प्रदेश की जो चुनाव की जीत है उसको सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने कही। सपा प्रमुख ने कहा कि नोएडा से संबंधित एक और कहावत है कि अगर कोई पार्टी नोएडा में प्रचार के लिए जाती है तो वो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतती है। तो जिस तरह से ये बात कही है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर यही वजह थी तो तीन चुनाव बीत गए तो उस समय क्यों प्रचार के लिए अखिलेश नोएडा नहीं गए? चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज है और इन्हीं सब सरगर्मियों के बीच कई बड़े सवाल उठते हैं और काफी तिकड़म दिखती है पार्टियों की जिस तरह से प्रचार प्रसार की जो तकनीक लगाते हुए नजर आते हैं और प्रचार करते हुए नजर आते हैं सभी पार्टियों के नेता, विपक्षी प्रमुख नेता। तो ये एक तरह से ये साफ कर देता है कि चुनाव में समय बहुत कम है और अब समय सच में बहुत कम है और इस बीच जब नोएडा पहुंचे तो ये सवालों के घेरे में आ गया अखिलेश। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं।
विभांशु, तीन ऐसे चुनाव थे जब वो कार्यकाल में भी रहे, अखिलेश अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हुए भी, उसके बाद भी तीन चुनाव भी रहे, तो उसके बीच भी प्रचार के लिए वो नहीं गए नोएडा। आखिर 11 साल बाद जब वो नोएडा प्रचार करने के लिए गए तो कई सवालों के घेरे में आ गए, क्या कहेंगे जी? अगर बात करें तो 1989 से एक निष्पक्ष चुनाव शुरुआत हुआ, जब वीरभद्र सिंह सीएम थे। एक कहावत चली थी कि जो नोएडा सीएम रहते हुए जाता है उसकी सरकार फिर से दोबारा नहीं आती है। वही एनडी तिवारी समेत राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह समेत तमाम नेता नोएडा से दूरी बनाए रहे। वही अगर बात की जाए तो ठीक है, 11 सालों में अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए, तो इस मिथक को तोड़कर कल अखिलेश यादव नोएडा गए। वही अगर बात की जाए तो 2012 से जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उस दौरान वो जो भी नोएडा के अंदर परियोजना जो भी विकास कार्य किए जाते थे उसका शुभारंभ लखनऊ से किया जाता था। वही अगर बात करें तो इससे अगर तत्कालीन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो अपनी सरकार में 5 सालों के अंदर में 20 बार दौरा कर चुके हैं नोएडा का। वही अगर देखें तो जो अखिलेश यादव की पिछली सरकार थी 2011 में अखिलेश यादव आखिरी बार नोएडा गए थे, उस दौरान वो साइकिल यात्रा वहां से किए थे। वही इस चीजों को देखते हुए, इस मिथक को मानते हुए तमाम नेता नोएडा से दूरी बनाए रखे, मगर उस मिथक को इस बार से सीएम योगी ने 20 से ज्यादा बार अपने कार्यकाल में दौरा किया है, तो क्या सीएम योगी ने ही इस मिथक पे विराम लगाया, क्या इसी को देखते हुए अखिलेश ने भी हिम्मत करी नोएडा में प्रचार करने की? जी, ऐसा अगर कहा जाए तो मायावती अपने सीएम रहते हुए 2007 से और 2012 के कार्यकाल में मायावती इस मिथक को नहीं मानती थी, मगर अखिलेश यादव 2011 से नोएडा से दूरी बनाए रखे थे और इस मिथक को कल वो तोड़ दिए। जी शिखा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? अखिलेश और जयंत दोनों ही एक साथ गए नोएडा, वहां पे प्रचार प्रसार किया, काफी लोगों की भीड़ भी देखने को मिली, तो इसका आने वाले चुनाव पे क्या कुछ असर रह सकता है? जी, इस मिथक को तोड़ने के बाद अब इसका फैसला 10 मार्च को होगा कि क्या ऐसा वाकई में 1989 जो मिथक आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो नोएडा से दूरी बना लेते हैं, और कहा जाता था कि नोएडा जो भी सीएम रहते हुए जाएगा उसकी सरकार नहीं बनेगी, और 1989 से नेता दूरी बना रहे थे। वही मायावती की तरफ से इस मिथक को नहीं माना गया और इस बार जो तत्कालीन सरकार है जो 2017 से 2022 के कार्यकाल के दौरान जो योगी आदित्यनाथ थे वो 20 बार दौरा किए, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं इस मिथक को मायावती ने तोड़ा, और अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ इस मिथक को नहीं माने, मगर वही अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो इस मिथक को मानते हुए नोएडा से दूरी बनाए रखे और जो भी शिलान्यास कार्य हो उसको वो लखनऊ से किया करते थे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये मिथक काम करता है। जी जी विभांशु, जब वो नोएडा जा रहे थे कल तो सामने उनके प्रियंका गांधी भी आई, दोनों की आमने सामने रैलियां हुई और उन्होंने अभिवादन भी किया, तो जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है वही दूसरा चेहरा भी देखने को मिला है, जहां भी सामने रास्ते में मिलते हुए अभिवादन करते दोनों एक दूसरे का, क्या कहेंगे इस पे? जी, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव महज कुछ दिन पहले प्लेन में एक दूसरे से आमना सामना हुआ था, वहां भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, और कल नोएडा में भी ऐसा ही हुआ। अब देखने की बात यह है कि अगर सरकार अखिलेश यादव को बनती है तो क्या गठबंधन में प्रियंका गांधी भी सम्मिलित होंगी? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो हालांकि 5 सालों में 20 बार सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 11 साल बाद चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने के लिए अखिलेश पहुंचे नोएडा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज शुक्रवार को आगरा में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयंत चौधरी ने सीएम योगी के गर्मी निकल जाएगी वाले बयान पर फिर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने भी इस पर सीएम को घेरा और पूछा कि क्या वो कम प्रेशर है जो गर्मी निकाल देंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात करते हो, आप हमारा तो चलो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं, आलू के जो किसान जिनका आलू हर बार फेंकना पड़ता है उनकी गर्मी कैसे निकालोगे।
और इसी खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर गर्मी निकल जाएगी, ये बात जो सामने आई है, इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ कहते हुए अखिलेश और जयंत नजर आए? जी, अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव और जयंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आगरा के एक होटल, निजी होटल में, जहां वो तमाम प्रत्याशी जो आगरा की 9 विधानसभाएं हैं उन प्रत्याशियों के लिए वोट और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम ऐसे आरोप लगाए। उन आरोपों में अखिलेश यादव ने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो वो कहते हैं कि रामराज आ गया है, मगर आप देख सकते हैं कि सड़क पे क्या हो रहा है। वही उन्होंने लखीमपुर और जो लखीमपुर के साथ साथ गोरखपुर, उन्नाव और हाथरस की घटनाओं पर सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था, एक भाषण के दौरान उसमें कहा गया था कि 10 मार्च को जो 2 लड़के हैं उनकी गर्मी निकल जाएगी, तो उस बयान का पलटवार करते हुए जयंत की तरफ से कहा गया, जयंत की तरफ से बताया गया कि जो गर्मी निकालने की बात की जा रही है तो आने वाले 10 मार्च को बेरोजगार और जो किसान है वो योगी आदित्यनाथ की गर्मी निकाल देंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो आज अखिलेश यादव वहाँ जो सिसोदिया कोल्ड स्टोरेज है वहाँ जो हजार की संख्या में रैलियों को आयोजन करने के लिए छूट दी गई है, उस दौरान वो अपने जो उनकी यात्रा है जो उन यात्रा को लेकर सिसोदिया कोल्ड स्टोर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने वहां की तमाम जनता से जुड़े जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, उनके लिए प्रचार प्रसार किया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर ने 4 राउंड फायरिंग की, जबकि 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं इस हमले को लेकर ओवैसी ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है और घटना की जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में आरोपियों ने हमले की वजह बताई है। आरोपियों के मुताबिक राम मंदिर पर दिए गए ओवैसी के बयानों से आरोपी आहत थे। गौतम बुद्ध नगर के सचिन और सहारनपुर के शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन से पिस्टल बरामद की गई है और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। इस घटना के बाद एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आप भी सुनिए। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है, मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लापता सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बयान देके बताया है कि ये लोग आहत थे, मंदिर और तमाम तरह के बयान से एआईएमआईएम प्रमुख के जितने भी बयान दिए गए हैं, धार्मिक ठेस पहुंचाई गई थी, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, साफ तौर से शिखा, जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी तमाम नेताओं की तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए
और मेरठ पहुंचे थे, जहां पर वो एक जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद वो वहां से लौट रहे थे और दिल्ली लौट रहे थे, और रास्ते में हापुड़ टोल प्लाजा के पास दो अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर जमकर के ऊपर गाली चला दी, जिसके बाद मौके पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी अजहर, चुनावी माहौल और ऐसे में चुनावी चर्चा में बने रहने के लिए नेता कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं, और ऐसे में जब उनके ऊपर खुद हमला हो गया है तो इसका कितना फायदा मिल सकता है असदुद्दीन ओवैसी को? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से देखा गया है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी का भी ये कहना है कि मुझे जिस तरीके से ये हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी और उसमें हम असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तमाम तरह की बातें की गई थी, तो उसको भी एक ये वजह बताई जा रही है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी एक सहानुभूति बटोर रहे हैं। और इसके अलावा भी जिस तरीके से दोनों आरोपियों का साफ तौर से ये कहना है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते आए हैं, तो यही हमले की खास वजह बताई है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, और आज लगभग 12:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था दोनों आरोपियों को, और पुलिस कस्टडी की मांग भी कही थी। अब ये देखने वाली बात होगी और क्या चीजें निकल कर सामने आती है जांच में, पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। अजहर, जिस तरह से चुनाव के बीच में ये घटना घटित हुई है और जिस तरह से बयान सामने आए अपराधियों के भी, तो क्या एक बार फिर आस्था और धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला होने के बाद तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका साफ तौर से ये कहना है कि काफी निंदनीय है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मेहमान थे और उनके ऊपर इस तरह की घटना होना, ये काफी अप्रिय घटना होना, ये काफी निंदनीय है। इसके अलावा भी MIM के जितने भी तमाम शहरों में जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, और उनका भी ये कहना है कि हम शांतिपूर्वक इसको लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव से पहले इस तरह का मामला हो जाना कहीं ना कहीं एक सहानुभूति के तौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को इसका थोड़ा फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों आरोपियों का साफ तौर से ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से एक धर्म विशेष को अपनी जनसभाओं में, अपनी मीटिंग्स में टारगेट करते आए हैं, तो खास उसकी यही वजह बताई जा रही है। और खास तौर पे शिखा आपको बता दूं, इसकी प्लानिंग काफी दिनों पहले से चल रही थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में चीजें सामने निकल कर आई। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है इसकी जो प्लानिंग है काफी दिनों पहले से चल रही थी, और जो आरोपी हैं दोनों वो मेरठ की उस जनसभा में भी मौजूद थे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, और वहां से वो दोनों आरोपी इनका पीछा करते हुए आ रहे थे, और उसके बाद हापुड़ जो टोल प्लाजा है उसके जस्ट बाद ही उन्होंने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दी। तो ये काफी दिनों पहले से प्लानिंग हो रही थी, और जिस तरीके से दोनों आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो आरोपी सचिन है वो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, और वही आरोपी जो शुभम है वो गाजियाबाद का, सहारनपुर का रहने वाला है, तो जिस तरीके से ये दोनों का मिलना, और साफ तौर से जो FB प्रोफाइल है उसमें भी काफी चीजें निकल कर सामने आ रही, जिस तरीके से हिंदूवादी सचिन के नाम से उसकी ID बनी हुई है फेसबुक पे, तो कहीं ना कहीं ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से सहानुभूति बटोर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में जिस तरह से ओवैसी और सपा प्रमुख दोनों ने ही जांच की बात कही, और भी कई लोग हैं जिन्होंने जांच की मांग की है, अब इसके बाद किस एंगल से जांच की जाएगी? गिरफ्तार तो कर लिया गया आरोपियों को, जांच का दायरा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से उनको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, पुलिस ने कस्टडी की भी मांग की थी कोर्ट में, और शायद वो पूरी भी हो गई है, और उसके बाद पुलिस अब आगे पूछताछ करेगी। और इसके अलावा इन तमाम मामले को केंद्र सरकार ने संज्ञान में लेते हुए वहीं HMO ऑफिस से असदुद्दीन ओवैसी को जेड सिक्योरिटी देने की भी घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं अब जांच पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और पूछताछ कर रही है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी देने का ऐलान भी कर दिया गया है, और जिस तरह से जांच की मांग कर रहे थे वो भी अब शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।